होम टेक पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कौन सा वो तो गया था, नहीं हुआ था, ये सारे रह गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर अपन करते हैं यहाँ पे सम। हमें ऐसा याद क्यों नहीं बता दिया। चलिए नेक्स्ट है सम। सम क्या होता है यहाँ पे, सम सम मतलब जो भी आपके नंबरिंग है उनको प्लस करना हो सभी को। तो अपन यहाँ पे कुछ नंबरिंग ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबरिंग ली 100 लिया, 600 लिया, 200 लिया, 100 फिर ले लिया। ठीक है, अब इन सभी को आपको प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप सम पे क्लिक कर दें। देखिए आ गया आपका यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है आपका यहाँ पे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रहता है आपका यहाँ पे एवरेज। एवरेज मतलब इन सभी संख्याओं को पहले प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है आपका, 1000, जो अभी अपन ने किया हुआ था। कितनी बार काउंट है आपकी, 4 बार, तो उसका एवरेज कितना आएगा, 250। 1 2 3 4 काउंट है। आप यहाँ पे भी काउंट का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगी आपकी काउंट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अपन एवरेज निकालते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एवरेज। तो आपका एवरेज हो जाएगा 250। ठीक है, तो अपन इसको हटा देते हैं। इसके बाद काउंट है, जो हमने अभी ही बताया है जस्ट, कि काउंट में क्या होता है, जितनी भी बार आपने नंबरिंग लिखी होगी, जो भी वैल्यू लिखी होगी, वो काउंट करके आपको दे देगा। इसके बाद मैक्सिमम आप इस पे क्लिक करें तो जो मैक्सिमम मतलब हाई वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा दोबारा, वही आपकी वैल्यू शो। और मिनिमम मतलब कि जो कम वैल्यू रहेगी आपकी, मिनिमम मतलब जो कम वैल्यू रहेगी, सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है, 100। आप यहाँ पे चेंज करते, जैसे आपने 50 कर दी, ऑटोमेटिक 50 चेंज हुआ है आपका, वो आपने फॉर्मूला का यूज किया है। तो फिर यहाँ पे आप इस टाइप से ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो आ जाएंगे आपको ये ऑप्शंस। फिर यहाँ पे मोर फंक्शंस दिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलते हैं, जो कि आप सीट बनाती हैं उसमें यूज होते हैं। इफ का भी होता है, हाइपरलिंक, एवरेज, सम, मैक्सिमम, जब अपन एडजस्ट किए हुए थे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, फिल। फिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ डाटा फिल किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी का नाम ले लिया। अब यही नाम आपको ऊपर की ओर शो कराना या नीचे की ओर शो कराना, या लेफ्ट राइट लेना हो आपको, तो आप इस पर क्लिक करें से नीचे की ओर लेना। तो हमें इतने एरिया में यही डाटा रिपीट कराना है, हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक, फिर यहाँ पे डाउन ऑप्शन आना, देखिए रिपीट हो गया। ऊपर की ओर लेना है तो आप इसको ऊपर की ओर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से आप क्या कर देंगे, अप कर देंगे, तो ऊपर की साइड आ जाएगा वो। और इसको अगर आप लेफ्ट साइड में कितना लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेफ्ट राइट कर देंगे। राइट में लेना हो तो राइट साइड में कितना लेना है आपको, वो सेलेक्ट करके आप यहाँ से, सॉरी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में आ जाएगा बुरा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, क्लियर। अगर आप यहाँ से क्लियर और करते हैं, तो आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ होगा उसमें से सारा डाटा आपका रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं, रिमूव हो गया। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ अपन नंबरिंग ले लेते हैं नॉर्मली, 1 2 क्या आ जाता है ना। वो हम थोड़ी ज्यादा नंबरिंग शो कराना चाहते हैं, इसलिए हम टाइप कर रहे हैं। बाकी आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा भी लेना हो डाटा आप ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, अपन यहाँ पे फॉर्मूला दे देते हैं सम का। तो नीचे आ गया आपका सम का फॉर्मूला। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट रहता है आपका क्लियर फॉर्मेट्स, मतलब आपने यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग दी होगी, कलर वगैरह दी थी अपन, वो फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग नहीं दी है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दिया, आप यहाँ से क्लियर करेंगे, कलर कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं है आपकी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्लियर कंटेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे, जितना आपने डाटा टाइप किया होगा वो क्लियर हो जाएगा, जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ वो। कंट्रोल जेड कर देते हैं।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, आप कमेंट्स देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और अपन चलते हैं रिव्यू पे। यहाँ पे आपने इसमें कमेंट दे दी और उसमें कुछ भी डाटा फिल कर दिया आपने और इसमें भी अपने कमेंट, अब इस कमेंट को आपको रिमूव करना है, तो आप रिमूव आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो रिमूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज क्या होता है, क्या? हाँ, इस डाटा में आपको कुछ और डाटा अटैच करना है, लिंक ऐड करनी है, जैसे आपको किसी वर्ड में करने से, हमें ये लिखा है 15 लिखा है, इसमें हमें हाइपरलिंक का यूज करना है, तो आप इस पर क्लिक रखेंगे, क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, अब यहाँ पे आपका कौन सा फोल्डर सेलेक्ट है, डॉक्यूमेंट्स, जबकि पता है डॉक्यूमेंट्स आपके सी ड्राइव की मेमोरी लेता है, तो उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा, आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ डाटा इसमें अटैच करना है, तो आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और आपकी जो भी लोकेशन होगी आप वो लोकेशन ले लेंगे। हमें ये PDF करना, तो ये PDF हमने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद ओके किया, जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिस वर्ड में आपने हाइपरलिंक का यूज किया होगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो आपकी लोकेशन बता देगा, किस फोल्डर में आपका डाटा सेव है वो भी बता देगा, फाइल नेम क्या है वो भी बता देगा, मतलब एच ड्राइव में एस के क्लास नाम का फोल्डर है जिसमें फाइल नेम PDF है, उसका फॉर्मेट ABC, ठीक। अब आप ओपन करना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे, अपन ओपन करके देखना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, पर ये PDF ओपन नहीं हो रही, हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे PDF आ जाएगी आपकी। अब इस जो आपने हाइपरलिंक इसमें इस यूज किया हुआ है, आपको वो क्या करना है, रिमूव करना है, सॉरी क्लियर करना है। रिमूव करेंगे आपके तो यहाँ पे डाटा रहेगा लेकिन रिमूव हो जाएगी हाइपरलिंक, और क्लियर करने से क्या होगा, आपको ये जो कलर आ रहा है वो उसी टाइप से शो कर आएगा। जैसे हम होम टैब पर क्लिक कर दिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लियर हाइपरलिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें तो आपकी रिमूव हो गई है, लेकिन आपका डाटा चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं आया। देखिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं हो रही आपकी फाइल, नहीं हो रही है। अदरवाइज अगर आप हाइपरलिंक का यूज करते हैं तो एक क्लिक से ही आपके ओपन करने के लिए ऑप्शन दे देता है, तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ओपन करने के लिए दे रहा है, और यस कर देंगे ओपन हो जाएगा, तो आपने क्लियर की थी। अगर आप रिमूव करना चाहती हैं तो आपको रिमूव ऑप्शन क्या होता है, राइट क्लिक करने पर भी मिलता है रिमूव हाइपरलिंक, और होम टैब में भी मिलता है आपको यहीं पे रिमूव हाइपरलिंक, कहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने से क्या होगा, उसके जो कलर चेंज हुआ था टेक्स्ट का और उसके नीचे अंडरलाइन आई थी वो रिमूव हो जाएगी आपकी, और क्लियर करने से वो वैसा ही रहेगा डाटा, बस लिंक रिमूव होती है, मतलब सो नहीं होगी आपको, ठीक। और MS वर्ड में क्या होता था, जब आप हाइपरलिंक का यूज करते थे तो वो कंट्रोल के साथ ओपन होता था, जो भी आपने डाटा इसमें अटैच किया हुआ है वर्ड में होता था, आप उसमें माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो वो आपको शो कराता है कि कंट्रोल के साथ करना है, अल्टर या जो भी आपको की रहेंगी, वो कंट्रोल के साथ होता था। बट एक्सेल में क्या होता है, वो नॉर्मली क्लिक होता है, आपको कंट्रोल के का यूज नहीं करना होता उसमें, ठीक है। तो आ जाएंगे ये सारे ऑप्शंस आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसके लिए अपन अपना डाटा ओपन करते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे कि आपके पास ये डाटा है, आपको इसमें फिल्टर का यूज करना है। फिल्टर आप सभी जानते हैं, आपने MS वर्ड में किया हुआ था असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसमें फिल्टर दिया गया, जैसे आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, ये सॉर्ट वा है, यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, जैसे हमने नाम पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्या किया A to Z, जैसे आप A to Z करेंगे तो वो पहले ए वाले नाम लेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस टाइप से वो क्रम में ले लेगा अल्फाबेटिक में। और अगर आप क्या करते हैं Z to A करते हैं तो वो उल्टे में लेगा, मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में वो आपको बता देता है कि सॉर्ट बाय, मतलब किस फील्ड में आपने यूज किया है, वैल्यूज किया है, और आपने ऑर्डर मतलब असेंडिंग किया हुआ है।